अगर आप लोग दस हजार के नीचे एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला स्मार्टफोन करना चाहते फार्टी फार्टी फार्ट का प्राइस भी बहुत हो ना जाएगा मोटो जी फोर्टी फाइव फाइव जी का दो वेरियंट है एक एट जीबी वन ट्वेंटी एट जीबी थर्टीन थाउजेंड रुपीज में नॉर्मली मिलता है वो आपको इसी सेल में मिल जाएगा इलेवन थाउजेंड में और जो फोर जीबी ना वो को नाइन थाउजेंड रुपीज में इसी सेल में मिल जाएगा आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि इस प्राइस में ये सारे फोन आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं या दूसरे किसी भी फोन के तरफ देखना चाहिए इस फोन को मैं लगभग एक महीने के आसपास यूज कर रहा हूँ तो आप लोगों को क्लियर कट आंसर दे पाऊंगा फोन आपके लिए सही होगा की नहीं सबसे पहले परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं क्वालकम स्नैपड्रैगन सिक्स एस जेन का प्रोसेसर मिलता है इसका अंतुत्कोर गिग बेंस मार्क सिक्स इवन दोस्तों सीपी थ्रॉटलिंग का जो ग्राफ है वो चेक कर लीजिए

38, 39 एपीएस ऐसा ही चलता रहता है मैं लगभग चार पांच घंटे तक बीजियो खेल रहा था तो उसी दौरान ना कोई भी लैग जिटर फ्रेम ड्रॉप वगैरह भी मुझे दिखा ही नहीं दिया तो ऑब्वियसली दोस्तों बजट के अंदर अगर आप लोग एक अच्छा गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो जिसमें बीजीएमआई ठीक ठाक चल जाए तो आपके लिए मोटरोलाइव भी बढ़िया रहेगा गेम खेलने के लिए बैटरी अच्छा होना बहुत जरूरी है और इस फोन में फाइव थाउजेंड एम एच का बैटरी मिलता है नॉर्मल यूजेस में ना देर दिन आराम से निकाल के दे देगा इस फोन में हम लोग हेवी टास्क करके भी चेक कर चुके हैं एक बार हम लोग सिर्फ बीजीएमआई खेलकर बैटरी डेंटेस्ट किए थे हंड्रेड परसेंट से जीरो परसेंट तक सिक्स आवर्स थर्टी मिनट तक बैटरी बैकअप दिया है इवन दोस्तों हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज करके भी बैटरी डेंट टेस्ट किए थे तो उसी दौरान एफोन ऑन टाइम दिया है एट आवर्स ट्वेंटी लोग आई खेलोगे थोड़ा सा कम बैटरी बैकअप देता है लेकिन मेरे तरह अगर आप लोग हेवी यूज भी करते हो तो कुछ ऐसा बैटरी बैकअप आप लोगों को देगा मैंने हीटिंग टेस्ट करके भी चेक किया हूँ दोस्तों जब मैं बीजेम खेल रहा था ना तब थर्टी एट थर्टी सेवन ऐसा ही कुछ हिटअप हुआ था इवन दोस्तों हम लोग जब वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन किए थे

नहीं है या वैल्यू फॉर मनी माना नहीं जाएगा लेकिन अभी जो मिल रहा है क्योंकि एट जीबी रैम जो मिल रहा है इवन अगर आपका बजट दस हजार के नीचे है तो ऑब्वियसली दोस्तों फोर जीबी वेरियंट के साथ जा सकते हो और मैंने मूवी वगैरह देखा हूँ क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगा है एच डी के हिसाब से इवन दोस्तों का रिफ्रेश रेट भी मिलता है काफी स्मूथ है आउटडोर ब्राइटनेस भी

पसंद आता है जनरली मैं देखा हूं दोस्तों लेदर फिनिश वाला डिजाइन बहुत सारे लोगों को पसंद आता है इवन Even... प्रीमियम फील देता है और ये जो फोन है लाइट वेट फोन है कंफर्टेबल फोन है दोस्तों तो डिजाइन के मामले में ऐसा कुछ भी शिकायत नहीं है बाकी आप लोग मुझे और भी क्लियर करके बता सकते हो कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा और अगर आप आप लोगों लोगों को को हमारे कंटेंट पसंद आता है या मेहनत पसंद आता है लाइक करके जरूर बताना दोस्तों शेयर भी कर देना आपके फ्रेंड के साथ अगर आपके फ्रेंड ये फोन खरीदने के लिए जा रहा है तो अभी अगर बात करूं ये फोन वैल्यू फॉर मनी फोन है कि नहीं देखिए नाइन थाउजेंड के हिसाब से मैं कहूंगा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट फोर वाला वेरियंट अगर आप लोग एट जीबी वेरिएंट के लिए जाना चाहते हो वो भी बहुत बढ़िया है दोस्तों एक बार जरूर चेक करना उस फोन की तरफ बाकी आप लोगों को क्या लगता है बताओ कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले एक फ्रेस वीडियो में